फिर ट्रेन आ चुकी है। तो भाई बॉम्बे की हरी मस्जिद आज की पूरी नाइट हम लोग साथ में मारे, मतलब साथ में सुबह का वक्त है, हम लोग यहाँ पे मरीन ड्राइव पे हम लोग वॉक कर रहे, घूम रहे अपनी चेरी बॉम है। एंड गाइस बहुत ही गंदी हो चुकी है, तो गाइस सबसे पहले इसको अपन लोग सर्विस सेंटर में लेके आएंगे और इसको वॉश कराएंगे, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा है और देखा भी नहीं जा रहा है इसको, इतनी गंदी, मतलब इतने दिन बाद मैं इसको लेके आ रहा सर्विस कराने के लिए, और धूप भी बहुत है, इस वजह से हेट भी कर रही है अपनी चेरी बॉम। देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा हो गया, मतलब अपने फ्रेंड लोग दोस्त लोग बैठते तो एकदम गंदी भी जाती, तो आज इसको फाइनली अपन लोग वॉश कराने लेके आ रहे। शाम के बज रहे 4 और गाइस मैं अभी जस्ट निकला हूँ ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि सुबह से जो ना मैं सोया हुआ था, कल वाली रात को मैंने नाइट मारा था, इस वजह से मैं सोया हुआ था। तो अभी यहाँ से सबसे पहले अपनी चेरी बॉम लेके आ रहे अपन लोग सर्विस कराने, क्योंकि गाइस बहुत गंदी हो चुकी है, मतलब बहुत ही चप्पल उपल के इसके उसके, और गाइस 2-4 स्क्रैच भी आ गए अपनी चेरी बॉम में। तो अपन लोग जाएंगे पहले वॉश कराएंगे अपनी चेरी बॉम को। दूसरी बात क्या, मेरे फ्रेंड लोग आ रहे हैं, मतलब वहीं पे सर्विस सेंटर पे उन लोग वहीं पे मिलेंगे, एक फॉरेनर है और एक दोस्त है जो मुझे वहीं पे मिलने वाला है। मुझे अभी जस्ट कॉल आया था तो मैंने उन लोग को बोला कि जल्दी जल्दी आओ सर्विस सेंटर पे, अपन लोग वहीं पे मिलते हैं। सर्विस सेंटर में लेके आ गए एंड गाइस वॉश कराएंगे, उसके पहले गाइस अपन लोग चेरी बॉम को यहाँ पे छोड़ देंगे एंड गाइस थोड़े टाइम बाद ले आएंगे। चेरी बॉम को यहाँ पे छोड़ दिया एंड गाइस अपने दोस्त लोग आ रहे हैं, तो गाइस देख सकते फॉरेनर आ चुका है रिसीव करने के लिए रिक्शा से एंड गाइस अपना एक फ्रेंड। हम लोग अभी ग्रैंड रोड पे, रात के बज रहे 2 एंड गाइस अपने लोग को आज नाइट मारना है और गाइस अपने लोग को मोहम्मद अली रोड जाना है। तो गाइस अपन चलते हैं, अभी स्टेशन से जस्ट बाहर निकले एंड रोड स्टेशन है एंड गाइस यहाँ से टैक्सी मिलती है और ये टैक्सी पकड़ के अपन लोग को मोहम्मद अली रोड जाना है। तो गाइस चाचा की टैक्सी से हम लोग बाहर निकल रहे। तो गाइस देखो मेरे साथ हमारा दोस्त मिस्टर फरीद खान और भी दोस्त लोग हैं जो फॉरेनर और एक और दोस्त है दिलशाद, अभी तक उन लोग बाहर ही निकले। तो गाइस अपन लोग यहाँ से अभी चले गए ट्रैफिक वाले एरिया में, मतलब मार्केट एरिया में जाएंगे। मैं और मेरा दोस्त फरीद हम लोग यहाँ पे कुर्ते या कपड़ा लेने आए एंड गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रात को बॉम्बे में कैसी मार्केट रहती है और कहाँ कितना खाली रहता है और कितना क्राउड रहता है। तो गाइस देखते हैं अपन लोग क्या है क्या नहीं। देखो वहाँ से हम लोग ये मार्केट में आ गए और पब्लिक देखो यहाँ पे मोहम्मद अली मार्केट, मतलब यहाँ पे कोई भी सोया नहीं, चहल पहल चालू है हर जगह पे और सब पब्लिक जागी है। रमजान का टाइम है इस वजह से यहाँ पे ना पब्लिक बहुत है, मतलब बॉम्बे का ये एक एरिया जहाँ पे लोग जागे रहते हैं। देखते बॉम्बे की हरी मस्जिद और गाइस पूरा बॉम्बे जागा हुआ है, पूरी मार्केट खुली हुई है, रमजान का वक्त है इसके लिए। मैं आप लोग को आएगा भी दिखाता हूँ, ये ट्रैफिक और ये कुर्ता मार्केट है गाइस। यहाँ कितनी गर्दी रात के टाइम है यहाँ पे। सीन ऐसा कि हम लोग रात भर मरीन ड्राइव पे बैठे थे और गाइस रात को ये मरीन ड्राइव बंद था, यहाँ पे पुलिस वाले लोग भगा रहे थे और सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे 7 एंड गाइस हम लोग यहीं पे देखो इसी पत्थर पे हम लोग बैठे थे 4 बजे से। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आ चुकी है, पब्लिक लोग वॉक कर रही है एंड गाइस हम लोग भी यहाँ पे थे, पुलिस वाले लोग भगा रहे थे, तो मतलब बैठे थे तो कुछ बोल नहीं रहे थे, उस हिसाब से हम लोग बैठे थे। तो गाइस सुबह हो रही है और मैं आप लोग को मरीन ड्राइव पे लेके आऊँ और रात को भी हम लोग पूरा मोहम्मद अली रोड घूमे, पूरा बॉम्बे घूमे, तो बहुत मजा आई गाइस। तो सुबह का वक्त है, हम लोग यहाँ पे मरीन ड्राइव पे हम लोग वॉक कर रहे, घूम रहे और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, मैं आप लोग को उन लोग को भी बताता हूँ। ये फॉरेनर जिसको तुम पहचानते रहेंगे, ये बेचारा गरीब हो चुका है कलिंगड़ को दिखा, मतलब और ये कलिंगड़ क्या बोला उसको, कलिंगड़ भाई मिस्टर दिलशाद खान मिस्टर कलिंगड़ और ये हमारे फरीद भाई। तो हम लोग सब लोग साथ में गाइस, मतलब आज की पूरी नाइट हम लोग साथ में मारे, मतलब साथ में घूमे, तो गाइस बहुत मजा आई हम लोग को यहाँ पे एंड गाइस मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ लोग कैसे योगा करते हैं, मतलब घूमते फिरते हैं, मैं आप लोग को वो भी बताता हूँ। देखो गाइस ये सुबह का वक्त है और सुबह सुबह मरीन ड्राइव कितना अच्छा लगता है गाइस। यहाँ पे जो है लोग अपनी ज़िंदगी के 10-20 साल 12 साल बढ़ाने आते हैं। मरीन ड्राइव मॉर्निंग में कैसा लगता है, ये मुंबई और गाइस ये मरीन ड्राइव का ये सी फेस देखो गाइस, ये पूरा रोड है, हाईवे रोड है, हाईवे साइड है सर, हाईवे रोड है एंड गाइस यहाँ पे जो ना ब्रिज का काम चालू है और साइड पे जो ना मरीन ड्राइव के पत्रे भी मारे हुए, तो मतलब मरीन ड्राइव पे बहुत सारा काम चालू है, तो इतना भी खुला स्पेस नहीं है। बट गाइस रोड पे जो है ना, रोड पे लोग वॉक कर रहे हैं एंड आगे से जो है मरीन ड्राइव का कड़ा जॉइंट हो रहा है, तो वहाँ पे और ये रोड पे
ये सब जगह मिला के लोग वॉक कर रहे हैं। गाइस सीन ऐसा है कि आज अपन लोग मरीन ड्राइव पे हैं एंड गाइस अपन लोग पूरा मुंबई घूम चुके हैं, बहुत मजा आई। तो गाइस यहाँ से अपन लोग अभी स्टेशन जाएंगे एंड गाइस स्टेशन से घर पे आएंगे मरीन ड्राइव स्टेशन, और हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो गाइस यहाँ से अपन लोग सीधा नाला सुपर के लिए निकलेंगे एंड गाइस यहाँ से जाएंगे। अपन लोग रिक्शा में और गाइस अपन अपनी चेरी बॉम लेने जा रहे हैं दो दिन के बाद से आज। तो गाइस फाइनली अपनी चेरी बॉम वॉश हो गई, तो अपन लोग चेरी बॉम लेते हैं गाइस चलते हैं। एकदम वॉश हो चुकी है, एकदम नई हो चुकी है। तो गाइस यहाँ से अपन लोग निकलते हैं गाइस चलते हैं, हम लेके आ गए धुला के। और गाइस अपन लोग मुंबई गए थे घूमने के लिए, थोड़ा शॉपिंग करना था नाइट में, तो गाइस घूमे बहुत सारा मजा है। एंड गाइस आज अपन लोग अपनी चेरी बॉम वॉश करा के जा रहे हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।